मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा मां हवाला कारोबार के काला कारोबार सामने आवा है, जहां काले धन का सफेद धन मां परिवर्तित करने के मामला सामने आवा है। अभी तक 210 करोड़ रुपया का जो है हवाला के जरिए साफ सुथरा कह दिन का है। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम पर तिवारी अपना पंचर का समय जने का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर की। जोने में प्रत्येक बता दी रीवा शहर में बड़े पैमाने पर काले धन का सफेद करे खेल चला है। यहाँ जो है यह काम फेक आईडी से खोले गए बैंक खातन से किया जा रहा है। कारोबारियों के द्वारा दिल्ली मुंबई जैसा शहरन में विभिन्न कंपनियों और फैक्ट्री के साथ जमीन खरीदी की थी। 1100 बार भी जो है लेन देन कई के 210 करोड़ रुपए भुगतान किया गया है। यह खुलासा जो है डभौरा सहकारी बैंक घोटाला के सीआईडी जांच में भा है। अब आगे की पड़ताल ईओडब्ल्यू को सौंपी गई है। अपना बजट बता दी ये से पहले जांच में सीआईडी का बैंक घोटाला से जुड़े आईसीआईसीआई ओम इंटरप्राइजेज के नाम से खाता मिला रहा, जोने में प्रमोद कुमार तिवारी के पैन कार्ड लगा रहा। सीआईडी टीम के द्वारा गांव में पहुंची तो पता चला कि यह नाम के कोनो व्यक्ति नहीं आए। फोटो के जरिए खुलासा भा कि प्रमोद अमर पाटन के शुक्लापुर के आही। दूसरों से पूछताछ करके बतावा गा कि खाता के जानकारी उनका नहीं आए। परिवार चलावे खेती रू 17 माह अगरबत्ती कंपनी में 8000 रुपए की नौकरी करा थे। अपना बजट बता दी प्रमोद तिवारी फर्जी आईडी कार्ड से खोले गए बैंक के जो है घोटाला के अभियुक्त आशीष गुप्ता जय सिंह और अमर सिंह के द्वारा 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए रहे, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो गया। आगे के जांच में 60 करोड़ के लेन देन के बाद सामने आई है। फर्जी खाता में करोड़न के रोज लेन देन के मामला सामने आए पर सीआईडी के द्वारा जांच मध्य प्रदेश शासन का भेज दी गई। डीजीपी के रिपोर्ट के आपराधिक अपराध अनुसंधान के एडीजीपी का जो है दीन गई ही। एडीजीपी मामला में जांच रीवा कार्यालय का भेजी गई ही। जांच में एक्सिस बैंक को एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक फेक आईडी खोले गए 11 खाता मिले हैं। ये मार्ग अब तक 1100 करोड़ रुपया से अधिक के लेन देन के मामला सामने आवा है। मामला हवाला और बेनामी संपत्ति मिले पर जांच कर रहे सीआईडी डीएसपी मोहम्मद असलम के द्वारा विभागीय अफसरन का रिपोर्ट भेजी गई ही कि इन खातन से कंपनी के फैक्ट्रिंग का और व्यावसायिक संस्थानन के भुगतान निश्चित तौर पर समझी कि रीवा मां ये बैंक कर्मी जो है बेहद बड़ा यह घोटाला कह रहे हैं, हवाला के कारोबार कह रहे हैं। आखिरकार अब यह मामला ईओडब्ल्यू के पास है, तब देखा दिलचस्प कोई कि कब ये हवाला कारोबारी जो अभी तक 210 करोड़ के काला धन का साफ सुथरा कह दी ही नहीं, तब देखा बेहद दिलचस्प हुई। तो आप पर बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।